हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ साक्षी चौरसिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ गोल्डन टिप्स शेयर करूंगी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। एज अ ट्रेडर आप हमेशा सोचते हैं कि जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसके पास डेफिनेटली कोई टिप और ट्रिक्स होंगी जिसके कारण आज वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, और अगर आपको वो टिप्स पता चल जाए तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एम आई राइट और नॉट? तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो हो वो आप तुरंत देख सकें। सो इंटरनेट पे अप्रॉक्सीमेटली आपको 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी, और उसमें आपको 150 से भी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। वेल ऑनेस्टली ये कहूँगी कि वो ट्रिप और जो ट्रिक्स हैं वो सही नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि वो पूरी गलत हैं, कुछ हाफ इन्फॉर्मेशन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप 7 गोल्डन टिप्स शेयर करूंगी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं और वो आपको भी करना चाहिए। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर से सीखा है थ्रू अ बुक। मैंने एक बुक पढ़ी थी, दैट इज़ मार्केट विजार्ड बाय जैक स्वैगर। यस, उस बुक्स में जो प्रोफेशनल ट्रेडर थे उनके इंटरव्यूज़ थे, और उन इंटरव्यूज़ से मैंने कुछ पॉइंट्स सीखे थे जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन से पॉइंट है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर रहे हैं और आपको भी वो ट्रेडिंग में किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। सो द फर्स्ट इज़ ट्रेडिंग लाइक अ रोबोट। यस, ट्रेडिंग लाइक अ रोबोट, हमेशा आपने एड स्क्वेडा का नाम सुना होगा। वो हमेशा बोलते थे कि जब भी आप ट्रेडिंग करें अपने इमोशंस को रूम के बाहर ही रखें और फिर ट्रेडिंग करने आएँ। कभी भी ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को मिक्स मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए कि इस पॉइंट पर आपको क्या सही करना है। मींस अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कीजिए, अपने ट्रेडिंग के सिस्टम को फॉलो कीजिए, ना कि अपने इमोशंस को। अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 90% जो ट्रेडर फेल होते हैं उसका रीज़न ही यही है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ओनली 10% पीपल अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं जिसके कारण आज वे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो हमेशा आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को दूर रखिए और फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान और सिस्टम की तरह कीजिए। ओके, द सेकंड पॉइंट इज कि आपको हमेशा हैव अ लॉस लिमिट फॉर अ डे। यस, ट्रेडिंग में एक लॉस लिमिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक लॉस लिमिट नहीं पुट करेंगे ना ट्रेडिंग में तो आप ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े लॉसेस करेंगे, आप ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगेंगे। और इन सबसे बचने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक लॉस लिमिट होना चाहिए। राइट, वेल हमेशा जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, एक लॉस लिमिट रखने की जगह वो एक प्रॉफिट लिमिट रखते हैं। मींस वो ये सोचते हैं कि मुझे एक दिन के अंदर 1,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना, विच इज़ रॉन्ग गाइस, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट को इस तरीके से आपको मेंटली वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस पॉइंट पर जब आप ये सोचते हैं ना कि मुझे 1,000 रुपये अर्न करना है, तो उस दिन अगर आपने 500 रुपीज़ भी अर्न करे होते हैं और आप ये सोचते हैं मुझे अर्न करना है, तो आप अननेसेसरी ट्रेड लेते हैं, आप रैंडम ट्रेड लेते हैं, जिसके कारण आपने जो 500 रुपीज़ अर्न करा था ना आप वो भी लूज़ कर देते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मींस आपको एक लॉस लिमिट पुट करना है कि मैं अगर दिन में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 1,000 रुपीज़ लॉस करूँगा, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा। सेकंड, आपको कभी भी प्रॉफिट की लिमिट पुट नहीं करना है। आपको जितना भी प्रॉफिट मिले आपको सिर्फ अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करना है, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, और उसमें जितना भी प्रॉफिट हो एंड दैट इज़ ओके। ओके, तो कभी भी एक प्रॉफिट लिमिट सेट मत कीजिए, जबकि एक लॉस लिमिट सेट कीजिए जो कि आपको एक अकाउंटेबल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करेगा। द थर्ड थिंग इज़ कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कीजिए। यस, अप्रॉक्सीमेटली जो 60% ट्रेडर होते हैं वो लूज इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी ट्रेडिंग में कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। इवन आज भी मुझे काफ़ी लोगों के DM आते हैं, वो मेरे साथ उनके शो करते हैं PNL, वो बोलते हैं मैम हमने इतना लूज़ कर दिया। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि यस आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा था, आई मीन टू से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना था, आपकी लॉस लिमिट कितनी थी, आप दिन में कितना ट्रेड लेते हैं, तो दे ऑल ब्लैंक, क्योंकि वो सिर्फ रैंडम ट्रेडिंग करते जाते हैं। वो कभी ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, कभी कम ट्रेडिंग करते हैं, तो वो इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं जो कि गलत है। ट्रेडिंग करते टाइम हमेशा याद रखिए जो ट्रेडिंग है वो एक बिजनेस है, और उसमें आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना होगा, समझना होगा कि ट्रेडिंग में लॉसेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। उसके साथ ही आपको ट्रेडिंग करना सीखना होगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ट्रेडिंग में एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक सही वे के थ्रू ट्रेडिंग करें ताकि कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। राइट, द फोर्थ पॉइंट इज ट्रीट लॉसेस एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस। यस, काफ़ी ट्रेडर्स को देखा है कि वो लॉसेस एक्सेप्ट ही नहीं करते, विच इज़ रॉन्ग।
ट्रेडिंग में लॉसेस को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप हमेशा समझिए ये जो ट्रेडिंग है वो एक बिजनेस है। जिस तरीके बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, मींस कार का आना जाना हुआ, कुछ लॉसेस होना, वो बिजनेस की बात है। तो वो बिजनेस में जिस तरीके से एग्री होते हैं उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी लॉसेस होंगे। यस, तो हम हमारे लॉसेस को कम कर सकते हैं, उनको टोटली हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप उन लॉसेस से लर्निंग लें और उन लर्निंग को इम्प्रूव करें ताकि कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। तो लॉसेस को कम्प्लीटली मिटाने की जगह आप फोकस कीजिए कि आप किस तरीके से अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि हमेशा ट्रेडिंग में प्रोसेस पर फोकस कीजिए, ना कि रिजल्ट में। मैंने काफ़ी सारे ट्रेडर में देखा है कि वो जब भी कोई ट्रेड लेते हैं उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट होता है कि उनको एक्जैक्टली इसमें प्रॉफिट कितना होगा। वो प्रोसेस ध्यान ही नहीं देते कि मीन्स स्टॉप लॉस पुट करें, टारगेट पुट करें, या फिर वो रैंडम ट्रेड ना लें, वो सही सिग्नल पर फोकस करें। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर उनको कोई ट्रेड में प्रॉफिट 200 रुपीज़ का हो रहा है तो वो तुरंत उस 200 रुपीज़ को लेकर निकल जाते हैं। वो ये सोचते नहीं कि इसका पोटेंशियल 500 रुपीज़ तक था। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको प्रोसेस पर फोकस करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगेंगे, क्योंकि जब आपके प्रोसेस ठीक होंगे, जब आप सही ट्रेड लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा, राइट? तो कभी भी रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए। कभी भी आप ट्रेडिंग करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि इस पॉइंट पे सही करना क्या है और आप वो करिए। एंड ट्रस्ट मी, इस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। सो द सिक्स्थ पॉइंट इज़ कि कभी भी अपने ट्रेडिंग करते टाइम P&L अकाउंट को मत देखिए, मीन्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कभी मत देखिए। इससे क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी हिट होती है, मतलब आप इमोशनल हो जाते हैं। जब कोई भी ट्रेड होता है ना, अगर आप ट्रेडिंग में कंटिन्यूसली लूज़ कर रहे होते हैं और आप देखते हैं जब अपने पोजीशन उसमें, तो आप देखते हैं कि आपने कितना लूज़ कर दिया, उसके कारण आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। कभी कभी जब आप देखते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ये सोचते हैं वाओ प्रॉफिट हो रहा है, और आप गलत ट्रेड लेने लगते हैं और उसमें लूज़ कर देते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कभी भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मत देखें। इससे क्या होगा, आपके इमोशंस लेस होकर आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो ट्रेडिंग में अपना सिग्नल देखिए, सिग्नल पे फोकस कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, ट्रेड लीजिए, एग्जिट हो जाइए, एंड दैट्स इट। यू कंप्लीट द ट्रेड एंड दैट्स इट। आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बार बार नहीं देखना है, ओके? एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ट्रेडिंग में हमेशा एक जर्नल को मेंटेन कीजिए। यस गाइस, ट्रेडिंग में जर्नल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल ही आपको बताता है कि यस किस पॉइंट पर आप क्या मिस्टेक करना है और वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिस पे आपको वर्क करना चाहिए ताकि कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप आज से ही एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए, अपने ट्रेडिंग लिखिए कि आपने कब ट्रेडिंग करी, क्यों ट्रेडिंग करी, किस लिए ट्रेडिंग करी और किस तरीके से आप इससे निकल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। कि जितने भी मैंने आपको गोल्डन टिप्स शेयर करे हैं ये मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर से ही सीखे हैं, तो आप भी इन्हें अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, इन सबको अप्लाई करने के बाद आप ऑलरेडी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगेंगे। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सी टिप थी जो आपको सबसे अच्छी लगी और आप अपने ट्रेडिंग में आज से ही उसको अप्लाई करने लगेंगे। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि कि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि कि आप ऐसे ही इंट्राडे की वीडियोस तुरंत देख सकें और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग इन ट्रेडिंग। ओके, थैंक यू।